जी सिलिकॉन फिट कर दिया, अब हम करने लगे हैं शीशा फिट। ये देखें और एनू बोरन के चक्कर है ना, पूरी चीज टूट जानी है अगर बगैर कलम दे रगड़ा लाया। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये है इंसानी दिमाग और अल्लाह पाक ने इसके अंदर इतना कुछ भर दिया है ना, और वो कौन सा काम है जो इंसान इस दिमाग से सोच के नहीं कर सकता। हम सिर्फ लेकर आए थे शीटें लेकर आए थे और उसके बाद हमने उनसे क्या क्या कर दिया है। ना हमने किसी पेंटर को बुलाया है, ना हमने किसी वेल्डर को बुलाया है, और ना ही हमने किसी डिज़ाइनर को बुलाया है। ये देखें जी, ये लेसों के लिए रैक्स बना दिए हैं सिर्फ उन्हीं शीटों से, और ये इस साइड पे ये रीलों नलकियों के लिए, और ये देखें ये सिर्फ ये वाली मशीनें लेकर आए थे। ये जॉकी मशीन है और 21,500 रुपये की आई थी। ये तीन लेकर आए थे हम, और इनके हमने स्टैंड नहीं लिए थे, और उसके बाद ये हमने शीटें ली हैं, इनको खुद ही कटाई करके डिज़ाइनिंग करवाई है, और उसके बाद ये देखिए अब कैसे फिट काम हुआ। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू। अलग अलग नहीं रखी हमने, सारी एक ही शीट के ऊपर रख दी है, एक ही काउंटर बना दिया है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे लगा दिया था एक ये इस तरह का ये, लेकिन लोग क्या करते थे, अब यहाँ पे कोई ये देखें ये इस तरह हमने लगा दिया था इसको यहाँ पे ऐसे। अब लोग क्या करते थे, यहाँ से आते थे इस तरह ऊपर से, इस तरह मशीन के साथ पंगेबाजी करते थे। हमें वो काबिले कबूल नहीं हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ पे अब लगा रहे हैं शीशा। वो शीशा अब इन लोगों को रोकेगा जो मशीनों के साथ पंगेबाजी करते थे। अब शीशा लगाना भी हमने किसी को नहीं बुलाया, खुद ही कर रहे हैं। उसके लिए चाहिए क्या, एक ये पट्टी चाहिए जिसके अंदर शीशा बैठेगा। ये ऐसी पट्टी है, इसके अंदर शीशा बैठ जाएगा। इसको पहले कील से ठोक लेना है, और उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये मशीनें हैं, इनका तो दौर ही चला गया है, ये तो वो जहेजों में देने के लिए रह गई हैं। तो प्रोफेशनल काम में तो दूसरी मशीनें आ गई हैं अब। लो जी जनाब, ये फिट हो गई है। अब इसके अंदर हमने भरनी है सिलिकॉन। सिलिकॉन भरने से शीशा इसके अंदर जुड़ जाएगा। ये हमने इस तरह डिज़ाइन बनाया है, मशीनों के ऊपर भी आ जाएगा। यहाँ से जब मशीनों के ऊपर आएगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हवा की वजह से धागे नहीं उड़ेंगे। ये देखें ये सारे मशीनों पे कर दिए हैं। अब शीशे की हो रही है सफाई, और उसके बाद सिलिकॉन भरते हुए आपको दिखाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सिलिकॉन, जिम्सा की है, और ये है सिलिकॉन गन। इसके अंदर सिलिकॉन की ये बोतल यहाँ पे पैक होगी, और उसके बाद इसको यहाँ से पुश आउट करेंगे तो इसकी यहाँ से सिलिकॉन बाहर आएगी जो इसके अंदर फिट होती जाएगी, और शीशे के साथ डील कर देगी। करना है हाथ ना कटे। इंसान चीज़ों के पैसे नहीं लेता, सिर्फ अपने हुनर के पैसे लेता है। अब ये शीशा काटना और किसी का काम नहीं, इसको कलम लगती है। वो शीशा काटने के सिर्फ उसने ये 5-6 टुकड़े काटे हैं, और उसने मतलब 10 मिनट का काम था उसका, उसने 400 रुपये की दिहाड़ी बना ली थी। पुराना शीशा पड़ा हुआ था, शीशा भी हमने न्यू नहीं लिया, यहाँ से उतारा था शीशा। ये इसकी फ्रंट पे शीशा था जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो उनसी अंदर लैसे वगैरह पड़ी हैं इसको लगती नहीं थी, टाकी वगैरह नहीं लगती थी, इसकी वजह से ये साफ़ नहीं होता था। तो फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ से शीशा उतार के उसके बाद हम इस शीशे को यहीं पर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कोई चीज़ आया नहीं होती, रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है ना उसे भी हमने किया, रीयूज़ हम इसको कर रहे हैं। ये इसकी कॉन खुल गई है, अब इसको यहाँ से हमने ये सील इसकी तोड़नी है। ये पहले इसकी सील इस तरह कैंची से काट दें, या बेस्ट रहेगा इसको छुरी से इस तरह कट हो जाए। ये अब कटने के बाद इसको इसके ऊपर फिट कर देना है, और उसके बाद अब इसको हम फिट कर देंगे इन दिस सिलिकॉन गन। ए इस तरह ये फिट हो गई है। ये देखें जी, ये
सिलिकॉन भरते हुए देखें। साइंस ने हर चीज़ को आसान बना दिया है, कोई फिजिकली काम तो बहुत कम रह गए करने वाले। ये देखें, हाथ के साथ पहले करते थे, हाथों की उंगलियों पे लग जाती थी, दो दो दिन उतरती नहीं थी। अब ये सिंपल काम, और ये काम स्पीडली करना है। क्यों? क्योंकि सूख जाएगी। ए जी, सिलिकॉन फिट कर दी है, अब हम करने लगे हैं शीशा फिट। ये देखें, इसके अंदर बिठाना है इसको। अब्दुल्ला ने बुलाया यार। अब्दुल्ला, एक साइड पे नीचे से फिट हो गया। अब ये जो इस साइड से शीशा जाएगा उसके लिए अब यहाँ पे इसकी नुकर पे लगानी है, उसके बाद यहाँ से भी इसको पकड़ हो जाएगी। इसको पकड़ करने के लिए कम से कम चाहिए, सूखने के लिए दोनों शीशों को आपस में पक्का जुड़ने के लिए 12 घंटे। तो इसको पकड़ के तो नहीं खड़े हो सकते, इसलिए हम इस पे लगाएंगे टेप। ये सारे पे इस तरह टेप लगा देंगे। ये वाली जो लेंथ है इसकी हो गई है ख़राब, इसका गुनिया। अब ये इस पर खुद ही हमें कलम फेरनी पड़ रही है, इस तरह पेंसिल ही होती है जिससे ये कटता है। ये इस जगह पे सही नहीं बैठ रहा था, इस यहाँ पे एक उसकी नोक बाहर निकली हुई थी। और ऐसे एनू बोरन के चक्कर है ना, पूरी शीट टूट जानी है अगर बगैर कलम दे रगड़ा लाया। लो जी जनाब, लग गई है छत। इसको हमने कवर कर दिया इस टेप के साथ, डॉक्टरी टेप। और इसके बाद हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।